व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो अपने बहुत ही खास रहने वाली है यूएसए जाने वाले लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो एक लीगल वे और एक अच्छा वे आप लोगों को बताने वाला हूँ यूएसए जाने का। हर साल ये मौका आप सब लोगों को मिलता है, खासकर जिन लोगों के पास अच्छी डिग्री वगैरह अच्छी क्वालिफिकेशन है उनके लिए ये मौका होता है बहुत ही कम खर्चे के अंदर। और एकदम आप लीगल तरीके से वहाँ पे जाते हैं, कोई इलीगल इसके अंदर नहीं है, कोई आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आपके पास अगर अच्छे से एजुकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हर साल आप लोग ये नाम सुनते हो यूएसए का H-1B वीज़ा, ये कि सबसे लॉटरी वीज़ा होता है, जिसे कि यूके ने भी रिसेंटली चालू किया था 2023 के अंदर इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के नाम से, जो कि स्पेशल इंडिया को दिया गया था। और इटली में भी हर साल जो डेक्रोती फ्लूसी निकलता है वो भी एक हिसाब से लॉटरी वीज़ा है। इस तरीके से यूएसए भी देता है H-1B वीज़ा देता है। ये होता है फॉरेन वर्कर्स के लिए जो कि यूएसए में आना चाहते हैं लीगली तरीके से काम करने के लिए। काम करने इन द सेंस कि ऐसे नॉर्मल वो वर्कर्स को नहीं लेते हैं, वर्कर्स थोड़े हाई प्रोफाइल या स्किल वाले जो वर्कर्स होते हैं या एक्सपीरियंस वाले होते हैं उन लोगों को इसमें ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो लॉटरी भरने के लिए बिल्कुल सिंपल होता है, ज़्यादा इसमें बेसिक डिटेल्स ही होती है। जैसे आप इटली के जो पेपर भरते हो नुलाउस्ता जिसको आप लोग बोलते हो ना, तो उसके जैसे इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बट जब आपका लॉटरी में सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद आपके पास भारी भरकम रिक्वायरमेंट आप लोगों को देनी पड़ती है। तो आइए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको पूरा डिटेल के अंदर बताता हूँ इस H-1B वीजा के बारे में यूएसए ने। तो आपकी आप लोगों ने इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चलेगी, समझ आएगी। अगर आपके काम की नहीं तो किसी अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दे जिसकी ये वीडियो काम की हो सकती है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरी, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीजा को जो नाम है वो है लॉटरी H-1B वीजा, आप लोग बोल सकते हो, या H-1B वीजा आप जैसा भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीजा की जो कॉस्ट है वो क्या है। इस वीजा की जो कॉस्ट है वो $10 है। पिछले साल ये थी, इस बार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस बार ये बोल रहे हैं कि $210 इसको करने जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है वो भी आगे चल के बताऊंगा कि इस बार जो फीस है वो USCIC क्यों बढ़ा रही है, इसका रीजन क्या है वो आपको बता दूंगा मैं आगे चल के। तो देखो इसकी कॉस्ट जो आ गई, और इसके अंदर सीट की बात करें तो टोटल है इसके अंदर हर साल जो है वो 85,000 सीट्स रिजर्व होती है। इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, फिक्स रहती है ऑलवेज, ये 85,000 टोटल सीट होती है। बट अपने काम की जो है वो ओनली 65 है। 65 कैसे है कि मतलब जो वर्कर्स फॉरेन से हायर होते हैं उनके लिए सिर्फ जो कोटा है वो 65,000 का है, और जो 20,000 का कोटा है वो उन लोगों के लिए जो लोग मास्टर कर रहे हैं यूएसए से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूएसए से मास्टर कर रहे हो तो आपका 20,000 जो कोटा है वो फिक्स है, आपको उसके अंदर सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले 20,000 लोगों को लिया जाएगा जो यूएसए मास्टर कर रहे हैं उन लोगों को, फिर जो 65,000 है उन लोगों के बारे में सोचा जाएगी, उन लोगों को किस तरीके से क्या पिक करना है, किसको सिलेक्ट करना है नहीं करना है, है ना, इस तरीके से। तो आप लोगों के पास मौका है 65,000 सीटों का, तो इसके अंदर आप अच्छे से सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास बढ़िया सही कुछ है, इम्प्लॉयर सही है, सारा कुछ अच्छे से आपके पास, तो कर सकते हो। तो स्टार्ट क्या हुआ, देखो ये वीडियो थोड़ी सी मैंने इस बार मेरे को टाइम ही लगा, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, पिछले साल मैंने टाइम पे वीडियो दी थी आप लोगों को। तो इस बार जो है ये स्टार्ट होता है 1 मार्च को स्टार्ट होता है, और जिसकी जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च है, यानी कि 28 दिन ये ओपन रहता है। तो आप इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जब लॉटरी ओपन होती है, और इसके बाद जो इसके रिजल्ट है वो धीरे धीरे आते हैं, जैसा कि इटली वाले पेपर में होता है या यूथ मोबिलिटी वीज़ा में होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें देखो आप बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई हम खुद से कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप लोग खुद से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वही कर सकता है जो कि यूएसए में है और उसका बिजनेस वगैरह है सारा कुछ है, और उसको वर्कर की नीड है वही कर सकता है। यानी कि आपको एक एम्प्लॉयर की आवश्यकता है जो एम्प्लॉयर आपको वहाँ पर हायर करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, आपका लॉटरी के अंदर नाम डालेगा, है ना, वो बंदा आपके पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक एम्प्लॉयर बहुत मैंडेटरी है। अब आप बोलोगे एम्प्लॉयर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अगर आप बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे जॉब अप्लाई करके देख सकते हो, अगर आपको कोई हायर करता है तो वो आपका इसमें जरूर डलवा देगा। नहीं तो यूएस के अंदर भी एजेंसीज है, इंडिया के अंदर भी लोग बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं, ये करवाते हैं, बट मेरे को एग्जैक्ट इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, मैंने सुना भी है देखा भी है, ठीक है। तो पहले तो देखो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपकी, ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपका पासपोर्ट और बेसिक डिटेल जो है वो चाहिए होती है। बट जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपसे भारी भरकम जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिए जाते हैं, आपकी एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, फैमिली, ये सब वो, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आगे जाके इसमें पड़ती है। पहले कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब आप लोग ये बोलोगे भाई अपने फैमिली बच्चों को, अगर आपका H-1B वीज़ा लग जाता है तो आप अपने फैमिली और बच्चों को भी साथ में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और इसमें 3 साल का वीज़ा मिलता है, बाद में ये एक्सटेंडेबल भी हो जाता है। तो मोस्टली जो देखो ये वीज़ा उन लोगों को ज़्यादातर मिलता है जो लोग रिलेट करते हैं साइंस से आते हैं, टेक्नोलॉजी से आते हैं, और जो मैथमेटिक्स से आते हैं। ये 3 कैटेगरी जो है
इन जो लोगों सॉरी इन कैटेगरी जिन लोगों ने स्टडी करी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है या फिर जो इन फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों को इसके अंदर ज़्यादा चांस मिलता है ना। तो बाकी यही है मेन इसकी एक हिसाब से अगर आप देखोगे तो। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पूरी दुनिया से इसके अंदर जो लोग हैं वो अप्लाई करते हैं, तो हर साल जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मल्टीपल एप्लीकेशन भी करते हैं। मल्टीपल का मतलब, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो $210 फीस बढ़ाने की बात है वो इस बार क्यों, और ये पहले $10 थी, $200 क्यों बढ़ा रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे बंदे होते हैं, उनके पास एम्प्लॉयर होते हैं, तो वो 10-10, 20-20 बार जो अपने पेपर है यानी कि लॉटरी के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और उसके अंदर कुछ लोगों के चांस ऐसे होते हैं कि 10 बार पेपर लॉटरी में क्लिक करवाया तो 5 बार उसके निकल जाते, तो जो और 4 बंदों की जो सीट थी वो उसने भी रिजर्व कर लिए। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है जो सामने आ रही थी। इसके चलते USCIC ने इस बार जो एक तो फीस है वो बढ़ाने का काम यहाँ पे बोला है कि फीस को बढ़ा देंगे इस बार, है ना। तो बाकी अभी तक मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बाकी वो साइट पे चल के देख लेंगे। तो ये है, और इसके बाद यहाँ पे एक हर बार आप लोगों को एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा जब भी आप लोग अप्लाई करोगे, तो अगर आपने मल्टीपल डाली तो आपकी फिर वो डिनाई ही करेंगे, आपका वीज़ा भी रिजेक्शन करेंगे और आपका लॉटरी में भी नहीं डालेंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे एक नई इस बार लागू होने जा रही है। तो बाकी ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कैप इसके ऊपर होती है, यानी कि टोटल 85,000 सीट होती है, तो उसमें से 65,000 है जो फॉरन वर्कर को हाई किया जाता है, तो एक हिसाब से H1B कैप भी आप लोग इसको बोल सकते हो। साल में एक ही बार लॉटरी है ये ओपन होती है ना, कभी मार्च में कभी फरवरी, लगभग फिक्स मार्च में होती है, पिछले साल भी यहीं पे हुई थी। और बस यही थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसकी जो कॉस्ट है वो आप $10 लेके चल सकते हो, आपके पास फॉरेन का या US का आपके पास इंप्लॉयर ही होना चाहिए जो कि वहाँ पे आपके जो ये पेपर है वो क्लिक कर दे, भर दे एक हिसाब से लॉटरी के अंदर, और बाकी उसके बाद जो आगे का आपका प्रोसेस है वो कर दे। बट जब आपका लॉटरी के अंदर आ जाता है, अगर आपका नाम आ जाता है लॉटरी के अंदर, फिर एक आगे का पूरा प्रोसेस होता है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके लिए क्या होता है। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई उसकी जो छोटी छोटी क्लिप है USCIC की साइड से, वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो आप अच्छे से उनको लोग देख लेना। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोग भी चाहवाने करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं खुद से, अभी भी टाइम आपके पास, क्योंकि अभी अभी पड़े हैं 10 दिन के आसपास आप लोगों के पास, तो आप इजीली इसमें ट्राई कर सकते हो। अगर क्या पता आपकी लक हो तो आपको कहीं डोंकी मार के ना जाना पड़े, किसी को वेस्ट 40-50 लाख रुपए ना देना पड़े। तो ये चीज़ है, तो एक हर साल लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है जो लोग USA जाना चाहते हैं। आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी थी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें ऐसे मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।